नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनम पिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप के बीच समझौता। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने छात्रों से अमृतकाल के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को जागेश्वरधाम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह। और हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए आगामी 11 अक्टूबर को होंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आज देहरादून स्थित सचिवालय में समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण के लिए यह समझौता आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन दोनों क्षेत्रों में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण से दक्षता हासिल कर हमारे विद्यार्थियों को रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के साथ ही इको टूरिज्म वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए भी काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि 12 महीने श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड के धार्मिक और पर्यटक स्थलों में आए। इसके लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रथम चरण में 16 मंदिर चिन्हित कर कार्य शुरू किए जा चुके हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने छात्रों से अमृतकाल के समय में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने कौशल को बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए। देहरादून के एक निजी स्कूल में आयोजित मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार में राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को हमारे सैन्य इतिहास के गौरवशाली पल के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को वीर योद्धाओं के पराक्रम और उनके बलिदान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य इतिहास विविधता, सम्मान और साहस के उदाहरणों से भरा पड़ा है। उन्हें अन्य स्कूलों में भी इस तरह के सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि इससे बच्चों को सैन्य इतिहास के गौरवशाली पलों के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने भी कहा कि सैन्य इतिहास की जानकारी रणनीतिक रूप से मजबूत करने में भी सहायक है। राज्यपाल ने छात्रों से पाकिस्तान और चीन जैसी पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों के साथ विभिन्न युद्धों और सैन्य सेवा के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। 2 दिवसीय इस सेमिनार में देश भर के 38 स्कूलों के छात्र और कई पूर्व सैन्य अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस सेमिनार में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल KT परनाइक भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। इस संबंध में आज अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्य ने भाजपा कार्यकर्ताओं और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी विनीत तोमर और पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सबसे पहले अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचेंगे और उसके बाद उनका आदि कैलाश का दौरा होगा। प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले उनका जागेश्वर जाने का प्रोग्राम है, उसके बाद आदि कैलाश जाएंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी विशाल जनसभा होने जा रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। वो जब जब भी यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं और कहते हैं कि महापुरुषों के चरण जहाँ पर पड़ते हैं वहाँ का कायाकल्प हो जाता है। निश्चित ही जागेश्वर आने के बाद, आदि कैलाश आने के बाद यहाँ का टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के जागेश्वर धाम आने से जागेश्वर को एक नई पहचान मिलेगी। मुझे आगे उम्मीद ये है कि जिस प्रकार से केदारनाथ का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अब जागेश्वर धाम का भी डेवलपमेंट होगा
और मुझे लगता है कि विश्व के नक्शे पे जो है वो जागेश्वर धाम भी जो है छाने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि उनकी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से हम सब लोग, पूरी सरकार भी लगी हुई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे व्यवस्थाओं के संदर्भ में हो, चाहे लोगों के संख्या के संदर्भ में हो, लोग स्वयं भी आने के लिए, चूंकि पिथौरागढ़ में एक बड़ी सभा होनी है, उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में हो, तो पूरी तैयारियां जो है वो सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी, और लोगों का अपने आप ही एक हुजूम उनके प्रति एक आकर्षण है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए आगामी 11 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं एक सप्ताह की यात्रा शेष रहने के कारण इन दिनों अधिक संख्या में श्रद्धालु रोजाना हेमकुंड साहिब के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 20 मई को खोले गए थे। अब तक यहां 1,69,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। इस वर्ष यात्रा प्रारंभ होने से अभी तक 1,60,000 यात्री वहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो अवस्थापना कार्य हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा हेतु, चाहे वो पैदल मार्ग है, बेंचेस, शौचालय, पानी की व्यवस्था, इन सब पे लगातार काम चल रहा है। और यात्रा ख़त्म होने के बाद भी जब तक मौसम ठीक रहता है तब तक जो अवस्थापना निर्माण कर रहे हैं वो चलते रहेंगे, और जिला स्तर पे भी उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के नियमों के तहत की जा रही है। इसके तहत 17 किलोमीटर पैदल यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था, शौचालय, कूड़ा निस्तारण, घोड़े खच्चरों का पंजीकरण, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। चंपावत में सांसद अजय टमटा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति यानी दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर विभागवार चर्चा की गई। बैठक में समिति के सदस्यों ने विकास कार्यों में आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की। वहीं बैठक के बाद सांसद अजय टमटा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिले, इसके लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। जल जीवन मिशन से लेकर PMGSY NH और भारत सरकार की सोशल वेलफेयर की स्कीम्स, अब हम इनको प्रत्येक महीने भी उनका लाभ दे रहे हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना पर चर्चा हुई है, और आगे भी हमारा काम इस जिले के अंदर और आगे तेज बढ़े, इस पर भी काफ़ी चर्चा होगा। रुद्रपुर में नजूल भूमि पर काबिज निर्धन परिवारों की 50 वर्ग मीटर तक की भूमि को निशुल्क फ्री होल्ड कराने के लिए जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने नजूल भूमि फ्री होल्ड के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की, जिसमें संबंधित अधिकारियों से फ्री होल्ड के लिए तैयार 513 पत्रावलियों पर हस्ताक्षर कराए गए। उन्होंने बताया कि कम से कम 2000 परिवारों को दीपावली से पहले लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें काफ़ी समय लगा हालांकि, लेकिन आज हम लोगों की बैठक में 500 ऐसे पात्र लोगों की पत्रावलियां तैयार करके सारे अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये 500 लोग इस श्रेणी में आ गए हैं कि इनका फ्री होल्ड एक तरह से मानिए कि कार्यवाही पूरी हो गई, और अब रजिस्ट्री की कार्यवाही होगी। शेष 500 की फाइलें और तैयार हो रही हैं, उनको भी हम अगले 10 दिन में कर दें, हम लोग करा लेंगे। लक्ष्य है कि 2,200 परिवारों को हम लोग टारगेट है कि दीपावली के पहले लोगों को उसका मालिकाना हक दिला दें। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने घर घर पहुंचकर सरकार के सरलीकरण, समाधान और निस्तारण मंत्र पर कार्य करते हुए पात्र व्यक्तियों की पत्रावलियां तैयार कराई जा रही हैं। इसके लिए स्टैंप, नोटरी और फोटोकॉपी की निशुल्क व्यवस्था के साथ घर घर जाकर पत्रावलियां तैयार कराई जा रही हैं, और इसके लिए संबंधित निर्धन व्यक्ति का एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। नगर निगम रुद्रपुर के अंतर्गत 1,989 एकड़ भूमि नजूल की है। इस पर 50 वर्ग मीटर से अधिक नजूल भूमि पर काबिज लोगों के कुल 2,563 आवेदन फ्री होल्ड के लिए आए हैं, जिनमें अभी तक 1,330 का निस्तारण किया जा चुका है।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने बच्चों से जुड़े अपराधों के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक अहम पहल की है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर ने आज से 19 अक्टूबर तक बच्चों के अधिकार और सुरक्षा पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिले के विभिन्न स्कूलों और गांवों में जाकर लोगों को बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनों के विषय में जानकारी दी जाएगी। इस कार्य में कानून से जुड़े छात्रों का भी सहयोग लिया जाएगा, जिनको आज प्रशिक्षित किया गया। 15 दिन का एक लीगल अवेयरनेस कैंपेन है जो चाइल्ड राइट और उनके प्रोटेक्शन से संबंधित है। इसमें हम विभिन्न स्कूलों में और विभिन्न गाँव में जो उधम सिंह नगर के अंतर्गत आते हैं वहाँ जाकर हमारा ये रहेगा कि जो हमें डायरेक्शन है कि चाइल्ड लेबर के बारे में उनके अवेयर में किया गया कि चाइल्ड लेबर कोहेबिटेड है, चाइल्ड लेबर से अगर कोई बच्चा चाइल्ड लेबर में पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, गार्जियंस के ऊपर भी और बच्चे के ऊपर भी होता है। तो ये बताएंगे चाइल्ड मैरिज के कंसिक्वेंसेस को भी बताना, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो हमारा बना है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी हम बताएंगे। वहीं लॉ के छात्रों ने बताया कि वो नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों से लोगों को बच्चों से जुड़े कानून और उनके अधिकारों से अवगत कराएंगे, साथ ही उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। इसमें हम चाइल्ड लेबर और चाइल्ड राइट्स के रिलेटेड सारी बातें करेंगे और इसमें हमने अभी आज सीखा भी यही कि हमें स्कूल्स में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम बेसिकली क्रिएट करना है, वहाँ पे बच्चों को सर्वे करना है कि वहाँ पे जो वाटर की सिचुएशन है, टॉयलेट्स की सिचुएशन है, वो स्कूल में बेसिकली है कैसी, और फिर इसके आगे का फिर प्रोसीड करेंगे। हम विभिन्न माध्यमों से बच्चों को जागरूक करेंगे, माँ बाप को जागरूक करेंगे। हम जैसे छोटे छोटे गांव जो है वहाँ पर जाके बच्चों के शिक्षा के बारे में बताएंगे कि कैसे उनको शिक्षा मिल सकती है, सरकार के द्वारा जो जो स्कीम चलाई जा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि उनकी बेसिक शिक्षा के लिए उनका राइट है, उन्हें अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो इन बच्चे इन्वॉल्व है उन्हें कैसे बाहर लाया जा सके, कैसे उन्हें उनके भविष्य बनाने में उनकी मदद करेंगे। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि कल देहरादून में विद्यालयी शिक्षा की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग निजी विद्यालय बोर्डिंग स्कूल को विकसित करना चाहते हैं उनके साथ विभाग बैठक करेगा। इसके अलावा सर्विस सेक्टर पॉलिसी में 25% की कैपिटल सब्सिडी है। विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में 6 तारीख को हमने बैठक बुलाई है। जो लोग भी अजय निजी विद्यालय अगर विकसित करना चाहते हैं बोर्डिंग स्कूल्स, उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे और जो सर्विस सेक्टर पॉलिसी है उसमें 25% की कैपेक्स सब्सिडी है, तो उनको हम लोग बुला करके उसके बारे में बताएंगे और उम्मीद पूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग आगे आएंगे। प्रदेश समाचारों में बस इतना ही, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप के बीच समझौता। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने छात्रों से अमृतकाल के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को नागेश्वर धाम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू, पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह। और हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए आगामी 11 अक्टूबर को होंगे बंद। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तराखंड समाचारों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।